हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के वो सिलेक्टेड टॉपिक जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। आप सबको पता है कि सीबीएसई ने ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज किया है, उसके बाद सीबीएसई ने एडिशनल क्वेश्चन पेपर, एडिशनल सैंपल पेपर भी रिलीज किया है। हमारे चार सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई। अब सेक्शन ए में एमसीक्यू आएगा, तो आज की वीडियो आपको कहां हेल्प करेगी कि सेक्शन ए में जो एमसीक्यू आएगा हर एक चैप्टर में मोस्टली एमसीक्यू कहां से बनते हैं। सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर हर एक चैप्टर में से कहां से बनते हैं, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे। भाई एमसीक्यू इस टॉपिक से आएंगे तो उसको बहुत डिटेल में पढ़ोगे, वेरी शॉर्ट आंसर यहां से आएंगे तो हाँ यार लेंथी क्वेश्चन बना के पढ़ोगे। अब जो सेक्शन सी है उसमें शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स वाले शॉर्ट आंसर टाइप 1, सेक्शन डी जो है उसमें शॉर्ट आंसर टाइप 2 या फिर केस बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं, और सेक्शन ए ई जो है उसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो बेटा ये वीडियो ना बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगी, बहुत ज्यादा। अब सीबीएसई तो मस्तियां कर देता है, सैंपल पेपर में भी उनके कई गलतियां हैं, उस बात को छोड़ते हैं। अगर फाइनल एग्जाम में उनके पेपर में गलती हुई तो उसकी ग्रेस मिल जाती है, हम उस पॉइंट पे भी नहीं जाएंगे, हम मेन पॉइंट पे चलते हैं। आपको पता है कि केमिस्ट्री की एनसीईआरटी अच्छे से करनी होती है। अब एनसीईआरटी में से भी मैं आपको ये बोलूंगा सारी पढ़ो, फुल पढ़ो, बट पॉसिबल है कि आपको एक दो टॉपिक हर एक चैप्टर में मुश्किल लग सकते हैं। अब वो एक दो टॉपिक ऐसे भी हो सकते हैं जो कभी ना आए हो, ऐसे भी हो सकते हैं जो हमेशा आते हो। अगर आपको वो टॉपिक ऐसे हैं जो हमेशा आते हैं और आप उसको छोड़ दोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना भाई। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन में आपको एक टॉपिक में प्रॉब्लम है और वो टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और 90% चैप्टर आपको आता है, बट वो 10% कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको नहीं आता। भारत सर ने बोला था तुम छोड़ भी सकते हो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को छोड़ देता हूं, बट भारत सर ने बोला था सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तुम उसको छोड़ दोगे तो चलेगा नहीं, ठीक है। और हां इस वीडियो में आपके लिए 2-3 गिफ्ट है, मजा आ जाएगा। अगर कोई बच्चा 0 पे है ना, बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला अभी भी कि सर नहीं बन रही है, बेटा जी आपके लिए डायमंड क्वेश्चंस की सीरीज में स्टार्ट करूंगा डेली, आज से पेपर आई थिंक 20 तक मैं आपको फ्री कर दूंगा, क्योंकि उसके बाद फिर आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा तो आप उसकी तैयारियां करना, या 15 तक फ्री कर दूंगा, फिर हम केमिस्ट्री इंग्लिश के एग्जाम के बाद देखेंगे। तो अभी से कल से ही हर एक चैप्टर के 15-15 क्वेश्चन, हर एक जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हैलोल के हैलोल में से सिलेक्टेड 15 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, और उनसे ही बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, उनका ही कंसेप्ट है जो पक्का पेपर में आएगा। तो अगर कोई बच्चा 0 पे भी आता है ना वो भी, और इसके अलावा और भी 2-3 गिफ्ट है, तो वीडियो पूरी देखनी है। तो बेटा जी एनसीईआरटी के डायमंड टॉपिक्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, पेपर आपका यहीं से बनने वाला है। आपको सारे लेक्चर के नोट्स, वीडियोस के लिंक जो है टेलीग्राम चैनल भारत पंचाल सर से मिल जाते हैं, उसको हर एक बच्चा जरूर ज्वाइन कर ले, मस्ट है। स्टूडेंट के मोबाइल में ये ऐप जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी कोई टेलीग्राम पर नहीं है तो वो मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकता है इंस्टाग्राम पर, भारत पंचाल 92 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। अनअकैडमी पर भी मैं बहुत ज्यादा फ्री स्पेशल क्लासेस ले रहा हूं आजकल, फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली एक सिंगल पैनी चार्ज नहीं की जाएगी आपसे, ठीक है। तो उस मैं अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक भी दे दूंगा, वहां वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैंने आपको बोला कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो होंगे ही, बट बेटा इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ ये करो, सिर्फ ये नहीं करना है, इनको बहुत अच्छा करना है। आपको चैप्टर वाइज मैंने वन शॉट दिखा करवा रखे हैं, बेटा चैप्टर वाइज वन शॉट करो, प्रीवियस ईयर करो, एमसीक्यू करो, इंपॉर्टेंट डायमंड मैं आपको अभी करवाने वाला हूं, ठीक है। नोट्स मैंने आपको हर एक चैप्टर के डिटेल नोट्स दे रखे हैं, शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं, सिर्फ 9 पेज में 18 पेज में, अगर इसको एक मान लेते हो तो 9 पेज में, और अगर इसको 2 मानोगे तो 18 पेज में पूरी केमिस्ट्री को कवर कर रखा है। और बिल्कुल चीट नोट्स ऑफ ऑर्गेनिक दे रखे हैं, कंसेप्ट वाइज फॉर्मुला शीट ऑफ फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक दे रखे हैं, जस्ट आपको बाय नेम सर्च करना है, शॉर्ट नोट्स ऑफ केमिस्ट्री बाय भारत पंचाल, चीट नोट्स ऑफ ऑर्गेनिक बाय भारत पंचाल, फॉर्मुला शीट ऑफ फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक बाय भारत पंचाल। अच्छा मैंने आपको बता दिया डायमंड टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसके अलावा सुन लो, चलते हैं वहां, एक दो बातें जरूरी हैं, है ना। अब क्वेश्चन पता लग जाए उनको करना कैसे है उसमें दिक्कत हो जाएगी। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बना रखी है, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। डायमंड टॉपिक्स में और इस वीडियो में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूं। अब जो हम बात करेंगे कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इस वीडियो में मैंने बात कर रखी है चैप्टर के 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक की, एनसीईआरटी के 10-15 क्वेश्चंस की, ये जरूर देख लेना
और वन शॉट जरूर देख लेना। चलो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए, जिसमें कि आपके एमसीक्यू पूछे जाते हैं। और यहां पर मैंने एनसीईआरटी का वो पॉइंट और एनसीईआरटी का वो टॉपिक मार्क कर रखा है। इसके बाद मैंने आपको चैप्टर वाइज ये बता रखा है कि भाई इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में बने हैं लास्ट 10 ईयर के अंदर। यहां पर जो क्वेश्चन है, यहां पर जो टॉपिक है, वो उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। यानी कि उनसे अलग टॉपिक से नहीं आए, बट उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। अब उन टॉपिक्स को जो इनसे अलग भी थोड़े बहुत आए हुए हैं, वो वीडियो जरूर देख लेना, मोस्ट वाली। इसके पे आओ तो सॉल्यूशन में आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से 5 एमसीक्यू बने हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कि हाँ भाई क्या होगा, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा अगर ये एक्सटर्नल ज्यादा हो जाए, ये वो बातें हैं। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, कोरोलस लॉ इंपॉर्टेंट बनता है, 2 क्वेश्चंस बने हैं। केमिकल काइनेटिक्स में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से 2 क्वेश्चन बने हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट से 2 क्वेश्चन बने हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डेफिनेशन क्या होती है, जैसे लिगेंड्स की डेफिनेशन होगी, सेंट्रल मेटल एटम की डेफिनेशन होगी, इस तरह से डेफिनेशन से 3 क्वेश्चन बने हैं। हैलोकेन हैलोरिन्स में केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोकेन हैलोरिन, केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोकेन हैलोरिन में केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से कितने क्वेश्चन बने हैं, 6 क्वेश्चन बने हैं। अल्कोहल फिनोल ईथर से 5 क्वेश्चन बने हुए हैं, कहां से, अल्कोहल एंड फिनोल की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज से। एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये टॉपिक का नाम है एनसीईआरटी का, ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इससे 28 क्वेश्चन एमसीक्यू में बने हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो आपके 18 एमसीक्यू जिसमें रीजनल सेक्शन इंक्लूडेड होंगे, तो 2-3 क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, 28 क्वेश्चन बने हुए हैं। अमाइन से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन से 2 क्वेश्चन बने हैं। और बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन से 4 एमसीक्यू बने हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर कहां से पूछा जाएगा, सॉल्यूशन में अगेन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस में फैराडे लॉ की मैं बात कर रहा हूं, से 14 क्वेश्चन बने हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से 5 क्वेश्चन बने हैं। डी एंड एफ ब्लॉक से अगेन प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक, प्रॉपर्टीज का मतलब होता है डी ब्लॉक का कलर, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये सब बातें जो होती हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म से 13 क्वेश्चन बने हुए हैं शॉर्ट आंसर में, ठीक है बेटा। जिसके बाद हैलोकेन्स एंड हैलोरिन से, केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोकेन हैलोरिन से 24 क्वेश्चन बने हुए हैं भाई, देखो। इसके बाद अल्कोहल फिनोल ईथर से 11.4 एनसीईआरटी का टॉपिक है जिसमें 17 क्वेश्चन बने हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स में केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स से 18 क्वेश्चन बने हैं। अमाइन से 16 क्वेश्चन बने हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन से। बायोमोलिक्यूल से कार्बोहाइड्रेट से 14.1 जो आपका टॉपिक है 17 क्वेश्चन बने हैं। अब यहां से आइडिया लगाओ, फील आ रही है कि हाँ भाई अगर उस क्वेश्चन को करना है तो भाई, अब देखो जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से एमसीक्यू भी बनते हैं, शॉर्ट आंसर भी बनते हैं, और तो छोड़िए शॉर्ट आंसर का जो दूसरा टाइप है वो भी बनता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, हर तरह का क्वेश्चन बनता है। तो इसको और डिटेल में पढ़ना है, मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि जितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं उतनी ज्यादा डिटेल में आप लोग पढ़ोगे। अच्छा, एक गिफ्ट मैं आपको बोल चुका हूं कि डायमंड सीरीज स्टार्ट होगी, उन क्लासेस का लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, डेली होगी, डेली लगभग 10 से 15 क्वेश्चन कराऊंगा, प्योर सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। लाइव क्लासेस करेंगे, फील आएगी, ठीक है ना, टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा। दूसरा गिफ्ट बताता हूं, यह तो चलो केमिस्ट्री का हो गया, अब एनसीईआरटी के फिजिक्स के डायमंड टॉपिक्स कौन से हैं, मैथ्स के डायमंड टॉपिक्स कौन से हैं, बायो के डायमंड टॉपिक्स कौन से हैं, ये भी दूंगा, और वीडियो नहीं सीधा पीडीएफ दूंगा, कहां पे, टेलीग्राम चैनल पे भारत पंचाल सर के जो नाम से। चलो आगे आ जाओ, सॉल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से 10 क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कंडक्टेंस, वही इलेक्ट्रोलिसिस वाले कंसेप्ट, नहीं कंडक्टेंस में मोलर कंडक्टिविटी, कोरोलस लॉ, वो वाला जो कंसेप्ट है, 12 क्वेश्चन। आज न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाई थी बहुत अच्छे से, हर एक चैप्टर के 10-10, 12-12 न्यूमेरिकल करवाए थे। आगे आ जाओ, केमिकल काइनेटिक्स में फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट, टॉपिक है 4.2, 9 क्वेश्चन बने हुए हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक से 20 क्वेश्चन बने हुए हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 10, बॉन्डिंग का मतलब है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। हर एक चैप्टर का वन शॉट भी कराया है और इन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दिया है, हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए, तो आप देखोगे मोस्टली यही करवाए हुए हैं। हैलोकेन हैलोरिन में अगेन केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोकेन हैलोरिन, जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करो, पढ़ो सब कुछ बट इसको 3-4-5 बार पढ़ो कि यह टॉपिक कच्चा नहीं रहना चाहिए किसी भी हालत में। 16 क्वेश्चन बने हुए। अल्कोहल फिनोल में बार बार अल्कोहल एंड फिनोल,
20 क्वेश्चन बने हुए हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में 12.4 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स, 17 क्वेश्चन बने हुए हैं। एक ही टॉपिक से वेरी शॉर्ट आंसर भी एमसीक्यू भी। अमाइंस में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस से 16 क्वेश्चन बने हुए हैं। बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट से कितने क्वेश्चन बने हुए बेटा आपके, 3 क्वेश्चन। अब आओ शॉर्ट आंसर पार्ट टू, ठीक है, शॉर्ट आंसर पार्ट टू जिसमें आपके केस स्टडी एक्सपेक्ट कर सकते हो, 4 नंबर के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। सॉल्यूशन में अगेन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से 12 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स इक्वेशन से 18 क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स में 4.3 इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से 14 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनते हैं, आर हेनेस इक्वेशन भी कर लेना, ठीक है ना। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक से 17 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से 9 क्वेश्चन, हैलोकेन एंड हैलोकिन में, हैलोरिन्स में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोकेन एंड हैलोरिन से 4 क्वेश्चन, अल्कोहल फ्लोरेशन में अल्कोहल फिनोल से 7 क्वेश्चन, एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड से शॉर्ट आंसर पार्ट टू टाइप नहीं बनता है, तभी इससे सिर्फ पिछले 10 सालों में 3 क्वेश्चन बने हैं। ये डाटा आपको बहुत हेल्प करेगा कि कहां से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा अमाइन से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन से 19 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप टू में बन सकते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन से 9 क्वेश्चन बने हुए हैं, 4 है वो। और लास्ट है लॉन्ग आंसर। अब किस चैप्टर से लॉन्ग आंसर कभी नहीं बना, आप देखो सॉल्यूशन से। अब सॉल्यूशन के लॉन्ग आंसर नहीं करने की जरूरत ना भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनता तो नहीं करने की जरूरत है, हैलोजन हैलोजन से 5 नंबर का नहीं बनता तो नहीं करने की जरूरत है, बायोमोलिक्यूल से 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनता है तो नहीं करने की जरूरत है। अब क्या करें, पेपर खोल के रख दिया कि भाई इनसे बनेगा ही नहीं, तो मत जाओ इनके लॉन्ग आंसर करने। लॉन्ग आंसर कहां से करो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करो तो नेक्स्ट इक्वेशन करो, 2 क्वेश्चन बने हुए। केमिकल काइनेटिक्स में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन करो, 4 नंबर का, मतलब पूरा 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, 3-2-1 तो बनेगा ही, वो पीछे करके आ ही रहे हो। डी एंड एफ ब्लॉक में प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक से 2 और कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट से भी क्वेश्चन बनते हैं, KMnO4, K2Cr2O7, अल्कोहल फिनोल एंड इथर 3, एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में जब 5 नंबर क्वेश्चन बन जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रेफर किया जाता है, 2 क्वेश्चन। अमाइंस में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सोल्ट से 2 क्वेश्चन। तो बेटा जी ये है आपके पास, जिसमें सारे का सारा पेपर आपके सामने खोल के रख दिया गया है कि भाई इन इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लो। इसके अलावा चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बना रखे हैं, इनके सबके स्क्रीनशॉट ले लेना। और हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत लगी है, रिक्वेस्ट ये है कि आप इसे अपने एक फ्रेंड के पास शेयर कर देना। मैं दिन रात जुट चुका हूं, मैंने प्रॉमिस किया कि डेली हम लोग मिल रहे होंगे, डेली हम लोग पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी करवाई जा रही है और आगे भी करते रहेंगे। एक ही एम है कि हमारे जितने ज्यादा बच्चे हो सके 100, 99, 98 मार्क्स लेके आ रहे हो, और श्योरली ये 2 वीडियो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। हाँ, पढ़ना भी है इसके बाद। और कल से जो हम डायमंड सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, हर एक चैप्टर के कंसेप्ट के 10-15 क्वेश्चन, भाई अब यहां से पता चल गया कि नर्स इक्वेशन से क्वेश्चन बनते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे ना भाई, उसके 15 क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे अलग अलग घुमा फिरा के। कमेंट सेक्शन में लिखना कि आप रेडी हो, कौन से टॉपिक स्ट्रांग है वो जरूर बताना, कौन से टॉपिक वीक है वो भी जरूर बताना, और कितना गोल है आपका। देखिए जब हम कमेंट करते हैं ना, पब्लिक अनाउंस करते हैं, तब अंदर से मोटिवेशन आता है कि हाँ मुझे करना है। और अगर आप डाउन फील कर रहे हो, तो बहुत से बच्चे डाउन फील कर रहे हैं, तुम क्यों डाउन फील कर रहे हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, नोट्स दे दिए, वन शॉट दे दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दिए भाई, एनसीईआरटी के डायमंड टॉपिक्स बता दिए, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, और भी जो चीजें जरूरी है वो सब आएंगी, सब आएंगी, तुम्हारे थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है। और सपोर्ट भी क्या बोल रहा हूं कि एक फ्रेंड के पास शेयर कर देना, चाहो तो 2 के पास भी शेयर कर सकते हो। ख्याल रखिए, और फॉर्मूला शीट जो है कल मैं अपलोड कर दूंगा, वो मिल जाएगी। दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो, और बहुत ख्याल रखिए अपना। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।